सेनानी को देखते थे। एक बालकृष्ण शर्मा कुलपुरी के थे जिनको लोग देवकी महाराज के नाम से ज्यादा जानते थे। अपने परिवार में इकलौता वो कमाने वाले थे और वो जेल चले गए, 19 महीना जेल में रहे और वो बताते थे कि उनके जेल चले जाने के बाद उनका परिवार कैसे कष्ट सहा। मतलब चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था ऐसे परिवार में। वो बताते थे कैसे कैसे कष्ट सहे। और जब हम उनके घर में जाते थे तो उनके बेटा बेटी हमेशा उनको उलाहना देते थे कि आपने हम लोगों के लिए क्या किया, कुछ तो किए नहीं, आज हमेशा उपदेश देते रहते हो। इस तरह से उलाहना उनको देते रहते थे उनके बच्चे। तो ऐसे और भी अनेक परिवार होंगे जिनका घर इस इमरजेंसी के कारण, आपातकाल के कारण बर्बाद हो गया। लोकतंत्र में जो अधिकार होता है वो छीन ले गया था, मीडिया जगत का अधिकार छीन लिया गया था। कहते हुए भी दुख लगता है कि कैसे सबको जेल में ठूंस दिया गया, कैसे बर्बरता के साथ नसबंदी हुआ। कुमारे लोगों का भी नसबंदी हो गया कि इस कहते हुए भी शर्म लगता है। ये इमरजेंसी में इस देश के लोगों के साथ बर्बरता हुआ, ये सब आप सब लोग जानते हैं। और इसके यादगार में हम लोग 25 जून को काला दिवस मनाते हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्री सच्चिदानंद उपासने जी को, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानी संघ का गठन किया है और जो हमारे प्रदेश में अब तो ये पूरे राष्ट्र में हो रहा है, सबको जोड़ने का एक प्रयास उनका। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। और पिछले समय वृंदावन भवन में हमको बुलाए थे, जितने भी प्रदेश भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लोकतंत्र के सेनानी थे, और उनका एक आग्रह था कि जो पिछले 5 वर्षों में उनका जो सम्मान राशि रोक दिया गया था वो फिर से चालू किया जाए। तो उसको हम लोगों ने चालू किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू किया। और ये कोई बड़ी राशि नहीं है लेकिन एक सम्मान है जिसको आप लोगों की सरकार ने, आप लोगों ने आशीर्वाद देकर हम लोगों को सरकार पर बैठाया, तो उसको कर पाने में हम लोग सफल हुए। और यहाँ पर वित्त मंत्री जी हैं श्री ओपी चौधरी जी, उनको हमने कहा